राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जयपुर कमिश्नरेट की वेस्ट जिला पुलिस द्वारा दो व्यक्तियों की हत्या करने आए रोहित गोदारा गिरोह के तीन बदमाशों को गिरफ्तार करने का मामला, और गजराज सिंह और गज्जू, मृणाल कपूर और रवि बिश्नोई से लगातार पूछताछ जारी है। गैंगस्टर रोहित गोदारा द्वारा दिए गए टास्क पर काम करते थे तीनों आरोपी। दो व्यक्तियों की हत्या करने के लिए रोहित ने उपलब्ध करवाया था आरोपियों को हथियार, तो वहीं हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए रोहित भेज रहा था शूटर्स को। रोहित द्वारा भेजे जाने वाले शूटर को जयपुर में ठहराने के लिए करधनी इलाके में होटल ढूंढ रहे थे तीनों आरोपी, और तभी करधनी, मुरलीपुरा, दौलतपुरा, डीएसटी वेस्ट और तकनीकी शाखा की स्पेशल टीम ने तीनों को धर दबोचा है। गिरफ्तार किए गए जो तीनों आरोपी हैं, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। तो वहीं डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुडानिया के निर्देशन पे ये पूरी कार्रवाई हुई है, और यही वो तीनों गुर्गे हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विनय पंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनय, रोहित गोदारा गैंग के तीन गुर्गे जो कि हत्या करने के लिए आए हुए थे, उन्हें पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनकी जो साजिश थी उन्हें नाकाम कर दी है। क्या पूरा ये मामला रहा, इसको लेकर जरा जानकारी दीजिए। जी अंकुर, वाकई देखिए, जयपुर कमिश्नरेट की वेस्ट जिला पुलिस ने जो बड़ी कार्रवाई है उसको अंजाम दिया। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुडानिया के निर्देशन में पूरा ऑपरेशन चलाया गया। मुरलीपुरा, करधनी, दौलतपुरा, डीएसटी वेस्ट और जो तकनीकी शाखा है उसकी एक स्पेशल टीम बनाई गई, और टीम ने कार्रवाई करते हुए रोहित गोदारा गिरोह के तीन गुर्गों को गिरफ्तार किया है, जो कि राजधानी जयपुर में दो व्यक्तियों की हत्या करने के लिए आए थे। रोहित गोदारा ने ही ये जो तीनों आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, मृणाल कपूर, रवि बिश्नोई और गजराज उर्फ गज्जू, इनको ये टास्क दिया था कि दो व्यक्तियों की हत्या करनी है। इसकी रेकी बकायदा पहले तीनों बदमाशों ने की, और उसकी जानकारी रवि बिश्नोई को दी कि किस तरह से दोनों व्यक्तियों का क्या मूवमेंट रहता है, वो घर से कब निकलते हैं और कहाँ पे जाते हैं। उसकी पूरी रेकी इन तीनों बदमाशों ने की और उसकी जानकारी रोहित गोदारा को दी गई। इसके बाद रोहित गोदारा ने उन दोनों व्यक्तियों की हत्या करने के लिए इन तीनों बदमाशों को हथियार उपलब्ध कराया, और साथ ही वो शूटर भी भेजने वाला था इन दोनों व्यक्तियों की हत्या करने के लिए। शूटर को जयपुर में रुकवाने के लिए जो तीनों बदमाश हैं वो करधनी इलाके में एक होटल तलाश रहे थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने तुरंत स्पेशल टीम का गठन करते हुए कार्रवाई करते हुए तीनों को दबोच लिया। तीनों से जब पूछताछ हुई तो इस बात का खुलासा हुआ कि रोहित गोदारा द्वारा दिए गए टास्क पे लोग काम कर रहे थे। इन तीनों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। अब गिरफ्त में आए तीनों बदमाशों से पूछताछ की जा रही है, और शूटर जो कि भेजा जाना था रोहित गोदारा के द्वारा वो कौन है उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही इस पूरे गिरोह में और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में भी यहाँ पे जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन वाकई जयपुर पुलिस की जो वेस्ट जिला पुलिस है उसने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, और दो व्यक्तियों की हत्या करने की जो षड्यंत्र रचा गया था उसको विफल करते हुए जो तीनों बदमाश है उनके मंसूबों पर पानी फेरा और इन्हें गिरफ्तार किया। बिल्कुल विनय, पुलिस ने यहाँ पर जो कार्रवाई की है वो काबिले तारीफ है। समय रहते उन्होंने पहले ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, ताकि कोई अप्रिय घटना जो घटित हो सकती थी वो नहीं हुई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिन लोगों की हत्या करने के लिए रोहित गोदारा ने इन्हें भेजा था, आखिर वो लोग क्या थे? क्या रंगदारी का कोई मामला यहाँ पर नजर आ रहा है? और अगर ऐसा है तो उनकी लिस्ट में और भी लोग शामिल हो सकते हैं जिनकी हत्या आगे की जा सकती है, या करने वाले थे ये लोग? जी अंकुर, बाकी देखिए, जो दोनों व्यक्ति जिनकी हत्या करने के लिए ये तीनों बदमाश रोहित गोदारा गैंग ने भेजे थे उनको भी चिन्हित किया गया, और उनके बारे में भी पुलिस ने जानकारी जुटाई, और साथ ही उनके जो नाम हैं फिलहाल वो जो है आउट नहीं किए जा रहे हैं सुरक्षा के मद्देनजर। लेकिन बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है उससे पुरानी रंजिश थी, रंजिश बस उसकी हत्या की जानी थी, वहीं दूसरा व्यक्ति जो है उसकी, ये जो तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए उनमें से किसी एक आरोपी से रंजिश थी। तो ऐसे में पुरानी रंजिश के चलते और रंगदारी को लेकर भी जो है ये पूरी प्लानिंग हत्या की गई थी। हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता उससे पहले ही तीनों बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए, और बदमाशों के जो मंसूबे हैं उस पर पानी फेर दिया गया। फिलहाल
रोहित गोदारा के निशाने पर और कौन कौन लोग आगे हैं या गिरोह से वो और किन किन लोगों को धमकी दिलवा रहा है या आने वाले दिनों में गिरोह द्वारा किन लोगों को टारगेट किया जाना था उसको लेकर गिरफ्त में आए तीनों बदमाशों से लगातार पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के आधार पर जो भी नई चीजें सामने आएगी उनको डेवलप करके आगे उस आधार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जी अंकुर बिल्कुल ठीक है विनय, लेकिन इन दिनों अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा एक होटल पर भी तोड़फोड़ की गई थी, वहां पर भी रंगदारी के लिए काउंटर पर पर्ची रखी गई थी, 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। उसके बाद अब ये हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। रोहित गोदारा का जो नाम है वो पूरी तरीके से अभी खौफ फैलाने की कोशिश जो है इसके नाम द्वारा की जा रही है। क्या पुलिस द्वारा कोई ऐसा प्लान तैयार नहीं किया जा रहा ताकि इस तरीके की गतिविधियों पर, इस तरीके के घटनाक्रम पर रोक लगाई जा सके? जी अंकुर, बाकी देखिए जो गैंगस्टर रोहित गोदारा है उसको पकड़ने की भी जो पूरी कोशिश है वो राजस्थान पुलिस कर रही है, क्योंकि रोहित जो है वो विदेश में छिपा हुआ है। ऐसे में जो अगर हम बात करें इमिग्रेशन की या जो अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं जो कि विदेशी एजेंसियों से कोऑर्डिनेट करती है, उन सबसे कोऑर्डिनेशन राजस्थान पुलिस का लगातार चल रहा है। जो लुकआउट नोटिस होता है, रेड कॉर्नर नोटिस होता है, वो यहाँ पे रोहित गोदारा का पहले ही जारी किया जा चुका है। ऐसे में उसकी जो लोकेशन है, वास्तविक लोकेशन सामने आने पर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और क्योंकि रोहित गोदारा ही लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लिए काम करता है, किस व्यक्ति से रंगदारी मांगनी है, किस व्यक्ति को टारगेट बनाना, ये पूरा काम रोहित गोदारा का रहता है। तो ऐसे में उस तक पहुंचना पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क है, लेकिन कोशिश लगातार पुलिस की जारी है और ये भी माना जा रहा है कि जल्द रोहित गोदारा को विदेश से गिरफ्तार कर भारत लाया जाएगा और फिर कई बड़ी वारदातों का खुलासा जो है वो यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है विनय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही है रोहित गोदारा को गिरफ्तार करने के लिए और साथ के साथ ये जो पुलिस की कार्रवाई की गई है इससे एक बड़ी घटना होते होते टल गई है।